हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है परसेंटेज, हिंदी में से कहते हैं प्रतिशत। अब थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन में परसेंटेज को डिफाइन कर लेते हैं। देखिए, परसेंटेज पर मीन्स प्रत्येक, सेंटेज मीन्स हंड्रेड, यानी हर वो अमाउंट जो हंड्रेड में काउंट होती है उसे प्रतिशत कहते हैं। ठीक है, देखिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मनोज ऑब्टेन्स 93 मार्क्स आउट ऑफ 100 इन मैथ्स, देन ही हैज़ ऑप्टेंड 93%। यानी मनोज ने 100 में से 93 मार्क्स लिए हैं उसने, तो हम इसको लिखते हैं 93% मार्क्स। इस तरह 93%, और 93 को हम परसेंट के साइन से ऐसे लिखते हैं। तो देखिए 93 किस में से लिए उसने, 100 में से। तो 100 में से लिए इसलिए हम परसेंटेज का साइन लगाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर टू। अ बॉक्स कंटेन्स 100 इलेक्ट्रिक बल्ब्स आउट ऑफ विच 25 बल्ब्स आर डिफेक्टेड। यानी एक बॉक्स के अंदर 100 बल्ब हैं जिसमें 25 बल्ब खराब हैं, डिफेक्टेड हैं। तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ डिफेक्टेड बल्ब्स वो हो जाएंगे 25%। यानी हम उस अमाउंट को परसेंटेज में लिख सकते हैं, 25% जो बल्ब हैं वो डिफेक्टेड हैं। और परसेंटेज को वर्ड में ना लिख करके हम सिंबल लगा देंगे, ये वाला सिंबल लगाते हैं इसके लिए 25%। तो हम कह सकते हैं सिंबल ऑफ परसेंटेज होता है इस तरह का मार्क्स होता है। ये हर मशीन में होता है, देखिए कंप्यूटर के कीबोर्ड में होता है और कैलकुलेटर में लगा होता है, क्योंकि मैथ्स का एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है ये परसेंटेज। ठीक है, अब देखिए कुछ एग्जांपल और यहाँ पे लिखे हमने। एग्जांपल नंबर वन, 5%, इसका मतलब होता है 5/100, मीन्स 500s। यानी परसेंटेज को हम क्या कहते हैं कि अगर किस जिसके डिनोमिनेटर का पार्ट 100 हो वो परसेंटेज में पढ़ा जाता है, माना जाता है। जैसे 54% मीन्स 54 हंड्रेड्स, हंड्रेड्स का मतलब होता है 1/100, तो 54/100 आ गया। ठीक है, अगर कोई हमारे पास वेरिएबल है एक्स परसेंट लिखा है तो उसका मतलब होता है कि एक्स के नीचे यानी एक्स के डिनोमिनेटर में होगा 100। ठीक है, अब परसेंटेज को हम परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करते हैं स्टूडेंट, उसके लिए हमें कुछ बातों को, कुछ चीज़ों को हमें यह करना पड़ेगा। जैसे हमारे पास कुछ लिख रखे हैं परसेंटेज, जब हम परसेंटेज वाले क्वेश्चन को करेंगे उससे पहले हमें इन टॉपिक को पूरा करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा हाउ टू सोल्व परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चंस। देखिए उसमें पहला पार्ट होगा हमारा फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, यानी कोई फ्रैक्शन दी होगी उसको परसेंटेज में हमने कैसे चेंज करना है। ओके, दूसरा है हमारा परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, यानी इसका उल्टा, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, ये भी हमें सीखना होगा। फिर है थर्ड हमारे पास परसेंटेज एज अ रेशियो, अगर कोई परसेंटेज हमारे पास है उसको रेशियो में, यानी हम उसको रेशियो में कैसे चेंज करेंगे, और रेशियो है तो उसको हम परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे, रेशियो इनटू परसेंटेज। ठीक है, फिर परसेंटेज इनटू डेसिमल फॉर्म, अगर परसेंटेज हमारे पास है तो उसको डेसिमल फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, और डेसिमल इनटू परसेंटेज, अगर डेसिमल आ रहा है हमारे पास तो उसको परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे। अब देखिए जो मैंने डिस्कस किया है उनको एक एक करके हम इसको सीख लेते हैं। पहले हम करते हैं कन्वर्टिंग फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। इसमें हमें रूल याद रखना पड़ेगा कि जब हमें फ्रैक्शन दी होगी उसको हमने परसेंटेज में चेंज करना होगा, तो हमें 100 से मल्टीप्लाई फ्रैक्शन को करके और परसेंटेज का जो सिंबल होता है वो रख देना होगा। ठीक है, देखिए जैसे हमारे पास एग्जांपल है, इसमें हमें तीन पार्ट सॉल्व करने हैं। 3/4 फ्रैक्शन है, 7/25 है एंड 6/5, ये तीन फ्रैक्शन हैं, इनको परसेंटेज में चेंज करना। देखिए हमें पहला सॉल्यूशन लिख के रखा है, 3/4 को हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, जैसे कि रूल ने बताया है हमें, 3/4 को 100 से मल्टीप्लाई किया, परसेंटेज का साइन पुट कर दिया। अब देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, अब हम इसको काट देते हैं, 4 से कट गया हमारा 100 25 टाइम्स, राइट, तो ये क्या 3 × 25, दैट इज 75%, तो हमारा ये वाला आ गया, राइट। फिर अब सेकंड पार्ट है 7/25 को परसेंटेज में चेंज करना, तो 7/25 को भी हमने क्या किया, 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज का साइन पुट कर रखा है। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे, 25 4 जा कट जाएगा, राइट, तो 7 × 4, दैट इज ये आ गया हमारे पास 28%। ठीक है, फिर नेक्स्ट फ्रैक्शन है हमारे पास 6/5, 6/5 को हमने परसेंटेज में चेंज करना है, तो 6/5 × 100 से मल्टीप्लाई किया, परसेंटेज का साइन लगाया, तो देखिए 5 से कट गया हमारा 100, 5 × 2 = 10 और 1 0 ये आ गया, दैट इज येगा 6 × 20 बचा हमारे पास, दैट इज 6, ये हो गया 120%। ठीक है, तो हम 3/4 को पढ़ेंगे 75%, अगर फ्रैक्शन हमारे पास 3/4 है तो उसको 75% पढ़ेंगे, और हमारे पास फ्रैक्शन 7/25 है तो उसको हम पढ़ेंगे परसेंटेज में 28।
यानी 28% होता है उसका उसकी वैल्यू। और 6/5 कोई हमारे पास फ्रैक्शन है यानी कोई भिन्न हमारे पास 6/25 है तो उसकी वैल्यू परसेंटेज में होगी 120%। ठीक है, तो अब देखें जरा कुछ हम और कुछ यहाँ पर लिख कर रखते हैं। अगर हमारे से कोई पूछता है 1/4 फ्रैक्शन है तो वो किसके इक्वल होगी, तो देखिए 1/4 इंटू हम करेंगे 100 से मल्टीप्लाई और परसेंटेज का साइन रख देंगे, दैट इज ये कट गया हमारे पास 25, तो ये हो गया 25%। ठीक है, तो 1/4 का मतलब किसी फ्रैक्शन का मतलब होता है 1/4 परसेंटेज में 25। फिर हमारे पास है 1/2, ठीक है 1/2 को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/2 इंटू 100 परसेंटेज का साइन लगाएंगे यहाँ पर, तो ये कट गया हमारे पास 50, ये आ गया हमारे पास 50%। तो 1/2 का मतलब क्या होता है 50% होता है, यानी किसी भी चीज़ का अगर हम 1/2 ले रहे हैं, हाफ ले रहे हैं, तो परसेंटेज में उसको कहेंगे 50%। कहते भी हैं अगर हमारे पास किसी भी चीज़ का, किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी कोई चीज़ हमारे पास मनी है, कोई धन है ना, उसका 1/4 पार्ट जो होगा वो परसेंटेज में 25% कहा जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको कन्वर्टिंग ऑफ फ्रैक्शन इंटू परसेंटेज इस तरह से सीख लेते हैं। अब हम सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका, कन्वर्टिंग परसेंटेज इंटू फ्रैक्शन, यानी पहले का अपोजिट काम कर रहे हैं इस बार हम, परसेंटेज से फ्रैक्शन पे कैसे जाएंगे। तो इसमें एक रूल काम करता है कि हम क्या करते हैं 100 से डिवाइड करते हैं और परसेंटेज का सिंबल जो होता है उसको हम रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। जैसे पहला हमारा एग्जांपल है, इसमें 35% है, फिर दूसरे में 37.5% को हमने फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो देखिए हमने फर्स्ट को लिखा रखा है 35%, इसको हम चेंज करेंगे फ्रैक्शन में, तो 35 ओपन में 100 हमने रख दिया इसके नीचे और परसेंटेज का साइन हमने हटा दिया। देखिए सिंपली इसी तरह से 37.5 हमने लिखा और परसेंटेज से साइन हटाया और नीचे 100 से डिवाइड कर दिया। अब ये डेसिमल यहाँ से हटेगी, एक जीरो नीचे लगेगी, तो 375 अपॉन में 1000 हो गया ये। ठीक है, अब इसको अगर हम सोल्व करें तो ये अगर हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में काटें तो 3/8 आ जाएगा फ्रैक्शन, तो 37.5% किसके इक्वल हो जाएगा, 3/8 फ्रैक्शन के इक्वल हो जाएगा। फिर है थर्ड पार्ट हमारा, कन्वर्टिंग परसेंटेज एज रेशियो, यानी किसी परसेंटेज को रेशियो में कैसे चेंज करते हैं। पहला एग्जांपल लेते हैं, फर्स्ट 17% है, इसको कैसे हम सोल्व करेंगे, देखिए 17/ परसेंटेज का साइन हटाया हमने और इसके नीचे 100 लगा दिया। फिर हमने कैसे किया इसको, 17 को और 100 को इस तरह से हमने लिख देंगे। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखिए, 72%, अब 72 परसेंटेज का साइन हटाया, नीचे 100 से डिवाइड कर दिया। ओके, फिर 72 और 100 को इस तरह से रेशियो में लिख दिया। ठीक है, इसको और आगे रिड्यूस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये रिड्यूस करके 18:25। जब हम इसको सोल्व करेंगे, ये 18 4 जा एंड 25 4 जा, ये कट करके हमारा 72.5% किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 18:25 रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगा। थर्ड है हमारे पास, 12.5% को रेशियो में कन्वर्ट कैसे करेंगे, देखिए 12.5 लिखा, इसके नीचे 100 लिखा हमने, परसेंटेज साइन हट गया, फिर हमने डेसिमल हटाया, एक जीरो लगाया, तो ये हमारे पास हो गया 125/1000। ठीक है, अब 125/1000 को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में या लोवेस्ट फॉर्म में करेंगे तो ये हमारे पास बैठेगा, देखिए अगर हम इसको 125/1000 को अगर रिड्यूस करें तो 125 1 जा, ये 1 बार चल जाएगा, और ये 125 8 जा, 1000 होते हैं, क्योंकि आप कर समझ लेना, आपको याद करके रखना, 125 इंटू अगर हम 8 करें तो होता है 1000। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया 125/1000 को हम लिख सकते हैं 1/8 और रेशियो में से कन्वर्ट कर सकते हैं 1:8। तो देख सकते हैं आप 12.5% किस में चेंज हो गया, 1.8 रेशियो में चेंज हो गया। तो इस तरह से हम इसको सोल्व कर लेते हैं। अब पार्ट इसका पार्ट लेते हैं फोर्थ पार्ट, कन्वर्टिंग रेशियो इंटू परसेंटेज। तो देखिए इसके लिए रूल क्या वर्क कर गया, मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन बाय 100 एंड पुट परसेंटेज साइन। तो हम क्या करते हैं, देखिए हमारे पास पहला एग्जांपल है 14:25 and 8:5, इसको हमने चेंज करना है परसेंटेज में। तो पहले हम क्या करते हैं, देखिए 14/14:25 हम लिखेंगे पहले, फिर 14 को 14/25 फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। ठीक है ना, फिर इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे
ठीक है, 25 फोर जा 100 होते हैं, 14 इंटू 4 और ये हो गया 56 परसेंटेज आ गया। ठीक है, वही हमने किया कि मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन बाय 100, पहले 100 से मल्टीप्लाई किया और परसेंटेज का साइन हमने रख दिया है, ठीक है, और फिर इसको सोल्व करके 56% आ गया। तो 14:25 जो रेश होती है हमारे पास वो आ गई परसेंटेज में 56%। सेकेंड है 18:5, ये रेशियो है, इसको पहले हम फ्रैक्शन में लिखेंगे 8/5, फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज का साइन पुट करेंगे, काट देंगे टेबल से, 2 जा 20 हो गया, 25 जा 100 होते हैं, अब 8 × 20 दैट इज़ ये हो गया 160%। ठीक है, तो ये रेशियो से परसेंटेज में इस तरह से हम आ जाते हैं। फिर हमारे पास फिफ्थ पार्ट, कन्वर्टिंग परसेंटेज इन डेसिमल फॉर्म, डेसिमल फॉर्म में कैसे करेंगे, इसके लिए रूल काम करता है, फर्स्ट वी कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन एंड देन डेसिमल फॉर्म। पहले हम क्या करते हैं, इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। देखिए पहला हमारा है 5.4 को परसेंटेज, ये परसेंटेज है हमारा, इसको हमने डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है, तो 5.4 को हमने ऐसे लिखा पहले, फिर इसमें 5.4 परसेंटेज हटाया हमने, नीचे 100 रख दिया, देखिए फिर यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो एक जीरो नीचे आएगी, डेसिमल है, या देखिए डेसिमल है, फिर इसका डेसिमल का एक जीरो नीचे आया, तो 54/1000 हो गया, तो 54 हम लिखते थे ऐसे ही, 1, 2, 3 नंबर ऑफ जीरो 3 है, तो 1, 2, 3 नंबर ऑफ प्लेसेज आ जाएगा, 1, 2, 3 थ्री प्लेस पर डेसिमल लगा दिया। ठीक है, 36% जो भी ऐसे चेंज कर लेंगे, 36/100, ठीक है, 36 लिखेंगे यहाँ पर, नंबर ऑफ जीरो काउंट करेंगे, 1 और 2 हैं, 2 जीरो हैं, तो यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे, ये हमारा इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा। फिर हमारा आता है कन्वर्टिंग डेसिमल इनटू परसेंटेज, इसके लिए रूल क्या काम करेगा, मल्टीप्लाई द गिवन नंबर बाय 100 एंड पुट द साइन परसेंटेज। देखिए 0.8 है, 0.8 को हमने क्या किया, हम 0.8 लिखा हमने, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, और परसेंटेज का साइन हम यहाँ रख देंगे, तो जब ये हो जाएगा हमारे पास 80% हो जाएगा, ठीक है ना। 36.36 है सेकंड हमारा, तो 0.36 है, इसको कन्वर्ट करना है, ये आ गया 0.36 हमने लिया, 0.36 इंटू 100 से मल्टीप्लाई किया, परसेंटेज का साइन लगा दिया हमारे पास, देखिए तो ये आ गया 36%, ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व कर लेते हैं इसको।